शनिवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 105 केंद्रों पर 12,756 लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 2,797 और सेकेंड डोज लेने वालों में 9,959 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि शनिवार को आरआई का सेक्शन होता है, इस वजह से शनिवार के दिन सेंटरों पर लोगों की कम संख्या रहती है। उन्होंने बताया कि त्योहारों की वजह से सेंटरों पर लोगों का आना कम हो गया था, लेकिन अब लोग वैक्सीनेशन में रुचि ले रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील किया है कि अपने नजदीकी सेंटरों या जिला अस्पताल पर जाकर वैक्सीनेशन कराएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज हमारे जनपद में 105 जगहों पर टीकाकरण चल रहा था। चूँकि आज शनिवार है, आरआई का सेशन होता है, रूटीन इम्यूनाइजेशन का होता है। वे हमारे जनपद में आज 10,000 से ज़्यादा का डोज लगाया गया है। इधर त्योहारों की वजह से लोगों का आना कम हो गया था, लेकिन कल भी हमने अच्छा डोज लगाया, 23,000 के आसपास की वैक्सीनेशन किया। आज हम 10,000 से ऊपर वैक्सीनेशन किए हैं, तो हमारा वैक्सीनेशन ग्राफ अब धीरे धीरे फिर बढ़ रहा है। अभी तक हमने 33,40,000 से ज़्यादा डोज लगा दिए हैं, उसमें से 23,72,000 से ज़्यादा फर्स्ट डोज है और 9,68,000 से ज़्यादा सेकेंड डोज लगा हुआ है। अभी भी हमारे जनपद में बहुत सारे लोग बचे हुए हैं जिनको फर्स्ट डोज लगाना है, और सेकेंड डोज के लिए भी काफ़ी लोग जिनका 2,00,000 के आसपास ओवरड्यू हो गया है, जिन लोगों से अपील है कि वो अपने सेंटरों पर जाएं और वैक्सीनेशन कराएं। अभी सेंटरों पर अब आराम से वैक्सीनेशन हो जा रहा है, वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है, तो आसानी से वैक्सीनेशन हो जाएगा। और अपना वैक्सीनेशन करा करके अपने को पूर्ण रूप से प्रतिरक्षित कर लीजिए और ज़िले को कोरोना से मुक्त करके अब जनता को और प्रशासन को और ज़िले को सहयोग प्रदान करें।